subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माचा लेसन। मैं अभिषेक सिंह, माचा लेसन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंफर्मेशन लेटर के ऊपर कि कंफर्मेशन प्रोबेशन पीरियड के बाद जब कंफर्मेशन आपका हो जाता है तो कंफर्मेशन लेटर क्या होता है, उसमें क्या क्या कंडीशन लिखी होती हैं, क्यों मिलता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो सारे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो में इससे पहले आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी अपना करियर पेरोल फील्ड में बनाना चाहते हैं या आप पहले से ही एचआर में काम कर रहे हैं और अपने फील्ड को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपको एलएलए प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ए टू जेड पेरोल प्रोसेसिंग कोर्स को जरूर चेकआउट करना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक एलएलए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा फ्रेंड्स, जिससे आप सीधे इसके वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको पेरोल प्रोसेसिंग और कंप्लायंस रिलेटेड कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, पेरोल एंड कंप्लायंस रिलेटेड कोर्स नीचे दिए हुए हैं। बिकम पेरोल प्रोफेशनल, पीएफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ईएसआईसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्सेज, प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र, लेबर वेलफेयर फंड महाराष्ट्र, स्टेप प्रिपेयर पीएफएसआईसी पेरोल प्रोसेसिंग, इनकम टैक्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जीएसटी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ए टू जेड टैक्सेशन ऑनलाइन सेलर्स, इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेल, इस प्रकार से ढेर सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ये सारे कोर्सेज प्रोफेशनल कंसल्टेंट के द्वारा विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा आपको कराए जाएंगे, जिससे आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये सारे कोर्सेज आप ऑनलाइन घर बैठे सीख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आपके काम को और भी बेहतर बना देगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इन कोर्सेज की फीस पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप एडिशनल डिस्काउंट चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे प्रोमो कोड MyHR10 प्रोमो कोड को यूज करके 10% का अधिक डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, की एप्लीकेशन भी है प्रोफेशनल कोर्सेज विद सर्टिफिकेशन LPT, जिसे आप प्ले स्टोर से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को चेकआउट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। What is a confirmation? Confirmation means the company will confirm the employee once their probation period is over. कंफर्मेशन वही होता है, जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आपको प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको कंफर्मेशन लेटर दिया जाता है। कंफर्मेशन लेटर 3 मंथ्स बाद दिया जा सकता है, जो अपन वाले लेटर में लिखा होता है, और 6 मंथ बाद भी हो सकता है, 9 मंथ बाद भी हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम जो होता है वो प्रोबेशन पीरियड 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसके बाद उसको वैलिड नहीं किया जा सकता। उसके बाद आपको कंफर्म करना ही पड़ेगा या तो फिर एम्प्लॉय को निकालना पड़ेगा, दोनों में से एक कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब आप एम्प्लॉय को कंफर्म कर देते हैं तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन लेटर कंपनी के थ्रू दिया जाता है कि आपका जो दिस इज गिवन बाय द एचआर, वो इज कंप्लीटेड देयर प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली। जो कंपनी का एचआर होता है वो एम्प्लॉय को देता है कि आपने प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, अब आपकी जो जॉब है वो कंफर्म हो गई है। आफ्टर कंफर्मेशन एन एम्प्लॉय हिज रोल चेंज फ्रॉम द टेम्पररी टू परमानेंट, मतलब एक प्रोबेशनरी एम्प्लॉय से वो परमानेंट एम्प्लॉय हो जाता है, और बहुत से जो है पर्क एंड बेनिफिट्स विच इज नॉट एलिजिबल प्रोबेशनरी एम्प्लॉय, वो एक कंफर्म एम्प्लॉय को मिलते हैं। क्योंकि अलग अलग कंपनियों का अलग रूल होता है, बहुत से एम्प्लॉय कंपनियां हैं जो प्रोबेशनरी एम्प्लॉय जो होता है उसको बेनिफिट्स बहुत कम होते हैं, पर जो कंफर्म एम्प्लॉय होता है उसको बेनिफिट्स को काफ़ी अधिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं पर्क एंड बेनिफिट्स, तो वो सारे बेनिफिट्स वो के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। उसमें लीव्स के प्रोविजन भी अलग होते हैं, जो कंफर्म एम्प्लॉय होता है प्रोबेशनरी एम्प्लॉयज के अलग होते हैं, ट्रेवल्स के, कन्वेंस के, अलाउंस के, ऐसे बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं, वो सारे उसको मिलने लगते हैं। तो एक कंफर्मेशन के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉय को मिलना शुरू हो जाते हैं जो प्रोबेशनरी पीरियड में नहीं होता है। अब प्रोसेस क्या है कंफर्मेशन ऑफ, इसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ कि एचआर सर्कुलेट द लिस्ट ऑफ देयर रिपोर्टिंग मैनेजर। एचआर जो होता है वो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग रिपोर्टिंग मैनेजर के, उनके पास भाई एक एम्प्लॉय तो आता नहीं है, मतलब अब 6 महीने जैसे कंप्लीट हुए हैं तो कई एम्प्लॉय को हुए नहीं होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो सर्विस जो है देखते हैं, सर्विस जो पीरियड होता है ना, तो उसमें सर्विस एनिवर्सरी में देखते हैं कि इस एम्प्लॉय को 6 महीने इनको कंप्लीट होने वाले हैं, तो वो उसके मैनेजर को मेल सर्कुलेट करते हैं, मेल डालते हैं। ठीक है, अब रिपोर्टिंग मैनेजर क्या करता है, उसमें जो मेल आती है उसके पास है तो वो एम्प्लॉय को सेंड करता है, और उसमें उसका KRA KPI उसको जो फॉर्म होता है उसमें एक तो फॉर्म को फिल करके देता है अपने मैनेजर को, हार्ड कॉपी भी दे सकता है और सॉफ्ट कॉपी भी। ठीक है, उसमें मैंने फिल करके देता है और साइन करके वो स्कैन करके मैनेजर को फॉरवर्ड करता है। फिर मैनेजर क्या करता है, उसको जो उसका KRA होता है और उसका जो KPI है उनको चेक करता है। ठीक है,
कि बंदा जो लिख रहा है वो सही है कि नहीं है, और फिर उसके बाद वो देखता है कि इसने जो टास्क है, जो इसकी जॉब्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या मतलब जो इसको टास्क मैंने असाइन किया है वो टाइम पे कंप्लीट किया है, या इसकी कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है अदर डिपार्टमेंट से, किसी से भी कोई भी कंप्लेन नहीं है, बंदा काम में सिंसियर है, लर्निंग स्किल्स भी ठीक है, तो वो पूरा उसमें मेंशन करता है, उसके अकॉर्डिंग वो रेटिंग देता है एम्प्लॉयज़ को, अलग अलग एम्प्लॉयज़ को अलग अलग रेटिंग देता है। अच्छी रेटिंग होगी तो उसका जो प्रोबेशन पीरियड है जाहिर सी बात है कंप्लीट होना है। तो आफ्टर वैलिडेशन आर एम रेट द पर्टिकुलर दैट एम्प्लॉय विद वैलिड रीजन इफ सेड नो। अगर वो बंदा मैनेजर जो है उसको नो बोल रहा है कि ये एम्प्लॉय है, ये प्रोबेशन पीरियड मतलब इसका एक्सटेंड होना चाहिए, या मतलब इसको इसका ख़त्म कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, ये मतलब एलिजिबल नहीं है इस मतलब उसके लिए, तो फिर एचआर क्या करता है कि उस बंदे को निकाल देता है। ठीक है, उसको एक लेटर जारी करते हैं, लेटर के थ्रू उसको मतलब कि आप भाई आपकी जो वो है परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो आपको हम 3 महीने या तो एक्सटेंड करेंगे या तो निकाल देंगे, 2 ही ऑप्शन उनके पास होते हैं। तो एचआर विल प्रोसेस आफ्टर मैनेजर की परमिशन, मैनेजर के बाद ही एचआर ये डिसीजन लेते हैं। तो वो जो फ्लो चार्ट होता है वो इस प्रकार से होता है, फ्लो चार्ट ऑफ कंफर्मेशन। कंफर्मेशन पे कंडीशन हो गई 2, ठीक है, एक तो हो गया उसका जो एक्सटेंड होगा, एक हो गया कंप्लीट। जब कंप्लीट तब होगा जब मैनेजर ने उसको सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग की है कि हाँ भाई ये सेटिस्फैक्ट्री है, ऐसा काम ठीक है, तो और अच्छा भी हो सकता है, सेटिस्फैक्ट्री मिनिमम है, ठीक है, तो उसका जब काम अच्छा है तो उसका प्रोफेशन जाहिर सी बात है कंप्लीट होगा। पर उसका अगर काम अनसेटिस्फैक्ट्री है तो मैनेजर उसको बोलता है कि इसको ये बोल दो कि 3 महीने इसका जो प्रोफेशन पीरियड एक्सटेंड होगा, या फिर उसका पीरियड जो है टर्मिनेट कर दिया जाए उसकी जॉब। तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दिया जा सकता है। तो इसमें उसको पैप दिया जा सकता है 3 महीने के लिए कि इसमें आपके लिए जो परफॉर्मेंस है उसको आपको इम्प्रूव करना है। अगर उस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लेता है तो उसका प्रोफेशन फिर कन्फर्म होगा, अगर नहीं कर पाता है तो फिर उसको टर्मिनेट कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कंडीशंस है वो कंफर्मेशन में फॉलो होती हैं। 2 प्रकार की कंडीशन होगी, एक कंप्लीट होगा, एक एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड होने के बाद उसको पैप दिया जाता है। अगर पैप में उसको जो परफॉर्मेंस जो उसको बोला गया है कि ये आपको परफॉर्मेंस अचीव करनी है, अगर वो अचीव नहीं कर पा रहा है तो फिर उसको टर्मिनेट कर दिया जा सकता है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।